कोहड़े की फूल के कितना मस्त पकौड़ा बन रहा है, कितना फूला फूला और कितना स्वादिष्ट। आज मैं कोहड़े की फूल की पकौड़े बनाने जा रही हूँ। ये देखिए कोहड़े की फूल हम ले लिए हैं और इसी तरह हम पारा पारी सब तोड़ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शांति जी का देसी किचन में। दोस्तों आज अपने किचन में हम बनाने जा रहे हैं कोहड़े की फूल की स्वादिष्ट पकौड़े। बहुत मस्त होता है, भुजका भी बोला जाता है हमारे तरफ। इसी तरह हम सारे फूल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए जो ऊपर का डंठल है इसे हम निकाल लेते हैं। ये भी हम डंठल हटा लेंगे, डंठल हमें नहीं रखना। ये देखिए बीच में इसी तरह कीड़ा रहता है तो इसे हम निकाल कर फेंक देंगे, इसको नहीं रखेंगे। और ये देखिए इसकी पत्तियाँ कितना सुंदर है, तो इसी का हम पकौड़ा बनाएंगे। तो इसी तरह सारे कोहड़े की पत्ती की हम डंठल और कीड़ा समेत निकाल लेते हैं। ये देखिए तो देखिए सब में नहीं रहता है, देखिए इसमें नहीं है, ये अच्छा है। तो इसको हमें नहीं रखना है, इसमें इसे हमें फेंक देना है, बस केवल पत्तियां हमें रखना है। तो सारे कोहड़े की फूल की हम ऐसे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए इसमें मधुमक्खी है, सारा रस पी लिया इसमें का। तो फूल हम अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और इसे धो लिए हैं। तो अब इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और इधर देखिए हम चूल्हा भी जला लिए हैं पकौड़ा बनाने के लिए। शाम के समय बना रही है नाश्ता और बहुत ही झटपट बनने वाला है, बहुत आसान तरीका है, ना कोई झंझट है ना कोई दिक्कत है। आप इसे मिनटों में बना सकते हैं फूल का पकौड़ा, जो कोहड़े का फूल का पकौड़ा है, बहुत लजीज है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। या इसमें हम पेस्ट बेसन दे बेटा, 100 ग्राम बेसन ले लिए हैं। और यह तो हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और यही पर हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और यहीं पर पिसा हुआ सिलौटे का ये चटनी है, लहसुन मिर्चा, तो इसे भी डाल देते हैं तीखा के लिए, ताकि ये तीखा पकौड़ा बनता है तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। चटपटा बनाने के लिए ये सिलौटे का पिसा हुआ मिर्चा लहसुन है, इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट हमें गाढ़ा तैयार करना है, हमें पतला नहीं, गाढ़ा रहेगा बेसन तभी यह फूल अच्छे से चिपकेगा। तो चलिए इसी तरह हम फेंट लेते हैं। ये देखिए हम फेंट लिए हैं, आप चाहे तो चम्मच से भी फेंट सकते हैं या हाथ से, तो हमें हाथ से ही आसानी रहता है। तो ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है ज़्यादा, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर और थोड़ा सा हम लूज कर लेते हैं। और इधर हम कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे, तो हाथ धो लेते हैं तब डालेंगे। और ये शाम के समय मैं नाश्ता बना रही हूँ, चटपट कोहड़े की पकौड़े। तो ये देखिए तैयार हो गया, इतना ही मोटा चाहिए, ज़्यादा पतला रहेगा तो पकौड़ा छिटा जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें ना ज़्यादा मोटा चाहिए ना ज़्यादा पतला चाहिए। तो कढ़ाई में हम डाल देते हैं सरसों का तेल। और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं, आंच को हम तेज रखेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो यहीं पर हम बेसन लगाते हुए पकौड़े बनाते हैं। तो इसी तरह हम कढ़ाई में डालेंगे, जो पत्तियाँ के मुँह खुला है इसको हम इस तरह लपेट कर तब डालेंगे, इस तरह लगाते हैं बेसन।
फेंक लिए हैं और इसे उलट पुलट देते हैं। और पाली का तेल ज़्यादा गर्म हो गया था फ्रेश, तो हम चार ही पकौड़ा डालकर निकाले हैं। देखिए कितना सुंदर कलर और गोल्डन कलर हो गया है। पकौड़ा बन गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना मस्त कलर हुआ है, कितना सुंदर। तो बेसन में लपेटते हुए हम पकौड़े छान रहे हैं। ये पकौड़ा बहुत सुंदर लगता है, आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगेगा। तो ये देखिए कुंवारी की फूल के कितना मस्त पकौड़ा बन रहा है, कितना फूला फूला और कितना स्वादिष्ट। तो उलटते पुलटते इसे हम करारा कर लेते हैं, एकदम गोल्डन कलर। दोस्तों आखिर बनाते बनाते रात हो ही गया है, तो लीजिए सुपर डुपर टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। कुंवारी की फूल के पकौड़े ये देखिए कितना मस्त। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। मैं बच्चों के लिए इतना मेहनत की हूँ, तो वीडियो आप फुल वॉच कीजिएगा और आप अपना दुलार प्यार आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।